हे एवरीवन, दिस इज कुलदीप करतालीवाला एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कुलदीप्स बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे कैटकिन टाइप की इनफ्लोरेसेंस और स्पैडिक्स में डिफरेंस। जो फर्स्ट डायग्राम है वो कैटकिन की है, जो सेकंड है वो स्पैडिक्स की। कैटकिन में कोई ऐसा स्पैथे बड़ा सा कोई लीफ नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन सेकेंड वाली में है। इसी के बेसिस पे हम कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे। जैसे कि कैटकिन जो है उसमें स्पैथे एबसेंट होता है लार्ज ब्रैकेट, लेकिन स्पैडिक्स में वो प्रेजेंट होता है। और कैटकिन में फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग कैटकिन में अराइज होते हैं। स्पैडिक्स में सेम में भी हो सकते हैं, सेम सेम स्पैथे के अंदर और अलग अलग भी हो सकते हैं। और जो कैटकिन है वो जो यूजली प्रोटेक्टेड नहीं होती है, लेकिन स्पैडिक्स में एक बड़ा सा लीफ प्रोटेक्ट करता है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है। और जो कैटकिन के केस में पूरी पेडंकल जो फर्टाइल होती है, लेकिन स्पैडिक्स के केस में पेडंकल अपर पार्ट स्टेराइल होता है। और जो कैटकिन है वो पेंडुलस फॉर्म में होती है, लटकी हुई होती है, स्पैडिक्स नॉन पेंडुलस होती है। इंसेक्ट पॉलिनेटर्स जो कैटकिन को की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि उनका कोई ऐसा कोई कलरफुल स्पैथे नहीं होता और अपेंडिक्स नहीं होती। लेकिन स्पैडिक्स के केस में स्पैथे एंड अपेंडिक्स प्रेजेंट होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, इसीलिए वो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो ध्यान से अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर कहाँ पे दिए गए हैं। और अपेंडिक्स ऊपर वाला पार्ट होता है जो अट्रैक्ट करेगा, और स्पैथे भी इंसेक्ट पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता होता है। ये लार्ज जो लीफ दिखा रखा है कैटकिन टाइप की इन्फ्लोरेसेंस, जो इस तरीके के फ्रूट आपने मोरस अल्बा में देखे होंगे, जिसे कि सहतूत बोलते हैं, उसका जो फ्लावर होता है वो पेंडुलस होता है, सॉरी जो उसका फ्रूट होता है वो पेंडुलस फॉर्म में होता है। तो इसी तरीके से जो फ्लावर हैं फाइनली वही उससे से फ्रूट बनता होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस होती है कैटकिन और स्पैडिक्स कौन सी टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।